साहब, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 17 का लेक्चर नंबर 12 है और आपका टॉपिक है सिंगल सेल प्रोटीन। और ये जो टॉपिक है इसको हम दो लेक्चर में डिवाइड करेंगे। सो ये लेक्चर 1 होगा इस टॉपिक का, यानी कि पार्ट 1 ना। ओके, तो सिंगल सेल प्रोटीन की सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे और पहले कुछ बातें वैसे देख लेते हैं कि इन जीनेटिक इंजीनियरिंग we have studied about the transformation of microorganism by introduction of the gene of beneficial protein such as insulin। ये जनरल एक बात है कि जीनेटिक इंजीनियरिंग में we have studied, हमने पढ़ा about the transformation of microorganism by the introduction of gene of beneficial protein। ये देखें बच्चों, ये एक microorganism है, ये एक microorganism है। आपने क्या किया, आपने इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन दाखिल कर दी। क्या की जीन इंट्रोड्यूस करा दी, इंट्रोडक्शन ऑफ जीन। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ जीन हमने की थी किसके अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, और यहां पे वो जीन चली गई थी। इसे ऑर्गेनिज्म क्या हो गया था, ट्रांसफॉर्म्ड, तब्दील हो गया था। ऑर्गेनिज्म क्या हो गया था, तब्दील हो गया था, और उसने हमें हमारा मतलूबा प्रोडक्ट इंसुलिन बना के दिया। सो जीनेटिक इंजीनियरिंग में हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर हम बैरूनी जीन को दाखिल कर सकते हैं और दाखिल करके उसको तब्दील कर सकते हैं। और हम उसके अंदर कौन सी जीन दाखिल करते हैं, बेनिफिशियल प्रोटीन वाली जीन उसके अंदर क्या करते हैं, दाखिल करते हैं। और जब वो मुफीद प्रोटीन वाली जीन उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर दाखिल होती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है GMO में, जीनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आपने क्या सीखा कि इन जीनेटिक इंजीनियरिंग वी हैव स्टडीड अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय इंट्रोडक्शन ऑफ जीन ऑफ बेनिफिशियल प्रोटीन सच एज इंसुलिन। हमने जीनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ा कि हम मुफीद प्रोटीन की जीन को किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म में दाखिल करते हैं, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तब्दील हो जाता है, और मुफीद प्रोटीन की जीन किसकी जीन हो सकती है, इंसुलिन की जीन हो सकती है। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो चीज आ रही है डेफिनेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंगल सेल प्रोटीन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। सिंगल सेल प्रोटीन को आप SCP भी बोलते हो, SCP सिंगल सेल प्रोटीन, रेफर टू द प्रोटीन कंटेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्योर और द मिक्स कल्चर ऑफ अल्जी। सिंगल सेल प्रोटीन refer to the protein content extracted from the pure or the mixed culture of algae, yeast, fungi or bacteria। कि जो single cell protein होती है, इसका मतलब क्या है, the protein content extracted from the pure or the mixed culture of algae, yeast, fungi and bacteria। बेटा ये definition आप याद कर लोगे, लेकिन मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ कि क्या कहना चाह रही है डेफिनेशन। ये देखें, सबसे पहले अल्जी, यीस्ट, फंजाई और बैक्टीरिया, इनकी प्योर कल्चर भी हो सकती है, इनकी मिक्स कल्चर भी हो सकती है। अल्जी की बात करते हैं, समझिएगा, ये सपोज अल्जी हैं और अल्जी का आपको पता हो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, उनको अल्जी कहते हैं। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट को अल्जी कहते हैं, पौधों की तरह के प्रोटिस्टा को अल्जी कहते हैं, और जो अल्जी जो प्रोटिस्टा फोटोसिंथेसिस करें उनको भी अल्जी कहते हैं। और ये जो मैंने शो किए ये सारे अल्जी हैं। जब जानदार सारे ही अल्जी हों तो आप बोलते हो प्योर कल्चर किसकी, अल्जी की खालिस कल्चर। कल्चर कहते हैं ग्रोथ को, ये उनकी ग्रोथ हुई पड़ी है और सबकी सब अल्जी है, सबके सब अल्जी हैं, ठीक है। सो इट इज द प्योर कल्चर ऑफ अल्जी। इसी तरह ये यीस्ट है, और यीस्ट यूनिसेलुलर फंजाई होती है बच्चों।
यूनिसेलुलर फंजाई को आप क्या कहते हो, यीस्ट कहते हो, और ये सारी यीस्ट है तो मैं कहूँगा ये प्योर कल्चर है। किसकी? यीस्ट की। दिस इज द प्योर कल्चर ऑफ अल्जी, दिस इज द प्योर कल्चर ऑफ यीस्ट। अब प्योर कल्चर से मुराद क्या है? अल्जी की खालिस कल्चर, मतलब सब अल्जी होंगे। जहाँ पे सब अल्जी हो तो आप उसको कहोगे अल्जी की खालिस कल्चर, जहाँ पे सारी यीस्ट हो उसको कहेंगे यीस्ट की खालिस कल्चर। इसी तरह फंजाई, ये सपोज फंजाई हैं, ये सपोज क्या है, फंजाई हैं, और सारे के सारे फंजाई हैं, तो मैं कहूँगा फंजाई की प्योर कल्चर, फंजाई की प्योर कल्चर, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फंजाई हो उसको कहते हैं प्योर कल्चर ऑफ फंजाई। अब एक और, ये सारे बैक्टीरिया हैं, ये सारे क्या है, बैक्टीरिया हैं, तो मैं कहूँगा दिस इज द प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। समझ आ गई होगी बच्चों आप लोगों को, दिस इज द प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। अकेले अकेले बात कर रहे हैं, ये सिर्फ बैक्टीरिया की खालिस कल्चर है, ये अल्जी की खालिस कल्चर है, ये सारे यीस्ट है, यीस्ट की खालिस कल्चर है, ये सारे फंजाई है, ये फंजाई की खालिस कल्चर है। इनसे भी आप प्रोटीन बना सकते हो। अकेले अकेले फंजाई से आप क्या बनाते हो, फंजाई की प्योर कल्चर से आप प्रोटीन बनाते हो। ये प्रोटीन भी क्या कहलाती है, सिंगल सेल प्रोटीन कहलाती है। ये क्या कहलाती है, सिंगल सेल प्रोटीन कहलाती है, SCP सिंगल सेल प्रोटीन कहलाती है। इसी तरह आप बैक्टीरिया की खालिस कल्चर से भी क्या बनाते हो, प्रोटीन बनाते हो, वो प्रोटीन भी सिंगल सेल प्रोटीन कहलाती है। यीस्ट की भी प्योर कल्चर से आप क्या बनाते हो, प्रोटीन बनाते हो, वो भी क्या कहलाती है, सिंगल सेल प्रोटीन। इस तरह अल्जी की प्योर कल्चर से भी आप क्या बनाते हो, प्रोटीन बनाते हो, इसको भी कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। सो अब हम क्या करते हैं, अब हम इनको इकट्ठा कर देते हैं। सबसे पहले अल्जी को इकट्ठा करते हैं, ये अल्जी हो गई मिक्स, उसके बाद ये यीस्ट हो गए, ये वाले यीस्ट बना रहा हूँ, उसके बाद फंजाई बना रहा हूँ, ये क्या है समझाने के लिए, फंजाई मिक्स हो गए हैं, और ये बैक्टीरिया, ये कौन, बैक्टीरिया। सो ये प्योर कल्चर नहीं है, इसमें कुछ यीस्ट हैं, कुछ अल्जी हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ फंजाई हैं, इसको कहते हैं मिक्स कल्चर। बच्चों अब आपको क्लियर कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि प्योर कल्चर सिर्फ एक जानदार की होती है, बैक्टीरिया की प्योर कल्चर, अल्जी की प्योर कल्चर, यीस्ट की प्योर कल्चर, फंजाई की प्योर कल्चर, उनकी प्योर कल्चर से भी जो प्रोटीन बनती है वो भी सिंगल सेल प्रोटीन है। अब आपने उन सबको मिला दिया तो बयान दी मिक्स कल्चर, मखलूत कल्चर, उर्दू में क्या कहते हैं, मखलूत कल्चर, मखलूत कल्चर। इनसे भी प्रोटीन जो बनती है उसको भी आप सिंगल सेल प्रोटीन कहते हो, उसको भी आप क्या कहते हो, सिंगल सेल प्रोटीन। सो प्रोटीन का वो मवाद, प्रोटीन का वो मवाद जो अल्जी, यीस्ट, फंजाई और बैक्टीरिया की या तो खालिस कल्चर से निकाला गया हो या इनकी मखलूत कल्चर से निकाला गया हो, उस सब को आप कहते हो सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन। क्या कहेंगे, अल्जी, यीस्ट, फंजाई, बैक्टीरिया की खालिस कल्चर से या इनकी मखलूत कल्चर से निकाला गया प्रोटीन का मवाद सिंगल सेल प्रोटीन कहलाता है। लाइक इनसे जो प्रोटीन बनती है, इससे बनती है, इससे बनती है, इससे बनती है, या इनके मिक्सचर से बनती है, जो भी प्रोटीन आप हासिल करते हो, दैट ऑल प्रोटीन इज कॉल्ड सिंगल सेल प्रोटीन। ये डेफिनेशन बेटा आपने क्लियर की कि सिंगल सेल प्रोटीन रेफर टू द प्रोटीन कंटेंट एक्सट्रैक्टेड, प्रोटीन का मवाद जो आप बनाते हो, प्रोटीन का मवाद जो आप निकालते हो फ्रॉम द प्योर और मिक्स कल्चर ऑफ अल्जी, यीस्ट, फंजाई एंड बैक्टीरिया, दिस इज कॉल्ड सिंगल सेल प्रोटीन। डेफिनेशन क्लियर हुई, आगे चलते हैं। फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ग्रोन इन द फर्मेंटर, सिंगल सेल प्रोटीन बनाने के लिए इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप कहाँ ग्रो कराओगे, फर्मेंटर के अंदर। याद रखिएगा, सिंगल सेल प्रोटीन बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहाँ ग्रो कराया जाता है, फर्मेंटर के अंदर ग्रो कराया जाता है। और आपको पता है फर्मेंटर इज ए डिवाइस दैट प्रोवाइड ऑप्टिमम एनवायरनमेंट टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन ग्रो इनटू बायोमास एंड कन्वर्ट सबस्ट्रेट आर आ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट। फर्मेंटर एक ऐसा आला होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बायोमास की शक्ल में नमो पाने के लिए
ऑप्टिमम माहौल देता है, जिसके बाद वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील कर देते हैं। सो सिंगल सेल प्रोटीन बनाने के लिए इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहाँ ग्रो कराना पड़ता है, उनकी नशोनुमा कहाँ होती है, फर्मेंटर के अंदर होती है। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज ए वैरायटी ऑफ सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट कौन से इस्तेमाल होते हैं भी आज सीख लें, फर्मेंटर के अंदर कौन सी चीज़ें सबस्ट्रेट के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, कौन सी चीज़ें रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, कि इधर से हम क्या डालेंगे, इधर से हम क्या डालेंगे और हमें प्रोडक्ट हासिल होगा, और हमें क्या हासिल होगा प्रोडक्ट। सो देखने लगे कि सबस्ट्रेट क्या क्या इस्तेमाल होगा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस किस सबस्ट्रेट को इस्तेमाल करेंगे, किस किस रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करेंगे। देखें इधर, दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज ए वैरायटी ऑफ सबस्ट्रेट्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ किस्म के सबस्ट्रेट को इस्तेमाल करते हैं। पहला है एग्रीकल्चर वेस्ट, ज़राती ज़री फालतू मादे, ज़री ज़रात के फालतू मादे इस्तेमाल करेंगे। इंडस्ट्रियल वेस्ट, सनती फालतू मादे इस्तेमाल करेंगे। नेचुरल गैस, कुदरती गैस मीथेन CH4 उसको इस्तेमाल करेंगे। सो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये मुख्तलिफ सबस्ट्रेट को, ये मुख्तलिफ रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करेंगे। पहला इंडस्ट्रियल वेस्ट है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, ज़राती फालतू मादे ज़री ज़रई फालतू मादे हैं, इसका इंडस्ट्रियल वेस्ट है, सनती फालतू मादे हैं, और कुदरती गैस नेचुरल गैस मिसाल के तौर पर मीथेन इसको इस्तेमाल करते हैं एज ए सबस्ट्रेट। ये तीन चीज़ें एज ए सबस्ट्रेट एज ए रॉ मटेरियल यूज होती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो वेरी विगरसली एंड प्रोड्यूस ए हाई यील्ड ऑफ प्रोटीन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो वेरी विगरसली, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है वो शदीद होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब आपने ऑप्टिमम माहौल दे दिया, जब आपने आपने इसकी पीएच एडजस्ट कर दी, टेम्परेचर एडजस्ट कर दिया, तो ये बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। और जब ये ज़्यादा होंगे ये ज़्यादा सबस्ट्रेट पे अमल करेंगे, जब ज़्यादा सबस्ट्रेट पे अमल करेंगे तो बड़ी मिकदार में क्या बनेगी, हाई यील्ड ऑफ प्रोटीन बनेगी, बड़ी मिकदार में प्रोटीन, बड़ी मिकदार में प्रोडक्ट बनेगा। द प्रोटीन कंटेंट प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो नोन एज नावल प्रोटीन और मिनी फूड। ये भी आपसे MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो प्रोटीन का मवाद जो आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल किया है उसको आप नावल प्रोटीन या मिनी फूड भी कह सकते हो। सो प्रोटीन का वो मवाद जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं उसको मिनी फूड या नावल प्रोटीन भी कह सकते हो। देखो ऊपर आपने क्या कहा, सिंगल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। उस वक्त अब आपने क्या कहा, आपने कहा प्रोटीन का वो मवाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल होता है वो नावल प्रोटीन भी कहलाता है, मिनी फूड भी कहलाता है, सिंगल सेल प्रोटीन भी कहलाता है। आगे चलते हैं, वी नो दैट ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, हम जानते हैं कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, द वर्ल्ड इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ फूड शॉर्टेज। दुनिया को किस चीज़ की कमी का सामना है, खुराक की कमी का सामना है, आबादी के बढ़ जाने की वजह से दुनिया को खुराक की किल्लत का सामना है। इन फ्यूचर, मुस्तकबिल में द कन्वेंशनल एग्रीकल्चरल मेथड्स माइट नॉट बी एबल टू प्रोवाइड सफिशिएंट सप्लाई ऑफ फूड एस्पेशली प्रोटीन। हम जानते हैं कि दुनिया की आबादी बढ़ गई है और आबादी के बढ़ने की वजह से दुनिया को खुराक की किल्लत का सामना है। इन फ्यूचर, मुस्तकबिल में द कन्वेंशनल एग्रीकल्चरल मेथड्स, पुराने ज़रई तरीक़ाकार, मुस्तकबिल में अगर हमने पुराने ज़रई तरीक़ाकार जारी रखे, दे विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड ए सफिशेंट सप्लाई ऑफ फूड, वो आपको मुनासिब खुराक नहीं दे पाएंगे, आपको मुनासिब खुराक ख़ास तौर पर प्रोटीन मुहैया नहीं कर पाएंगे। तो क्या सीखा कि मुस्तकबिल में पुराने ज़रई तरीक़ाकार आपको खुराक ख़ास तौर पर प्रोटीन मुनासिब मकदार में नहीं देंगे, मुहैया नहीं करेंगे। फॉर ए बेटर मैनेजमेंट, तो हमने क्या करना है, फिर हमने बेटर मैनेजमेंट करनी है, बेहतर इंतज़ाम करना है, बेहतर बंदोबस्त करना है। सो फॉर ए बेटर मैनेजमेंट ऑफ फूड शॉर्टेज प्रॉब्लम इन द ह्यूमन एंड इन आवर डोमेस्टिक एनिमल, द यूज ऑफ माइक्रोब एज द प्रोड्यूसर ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन हैज़ बीन सक्सेसफुल ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। सो आपने देख लिया कि आबादी बढ़ गई है और हमारे लोगों को खुराक की किल्लत का सामना है, अगर हमने पुराने कन्वेंशनल एग्रीकल्चर के मेथड जारी रखे तो मुस्तकबिल में हमें खुराक ख़ास तौर पर प्रोटीन वाली खुराक ना काफ़ी मिलेगी, काफ़ी नहीं मिलेगी, मुनासिब नहीं मिलेगी। सो हमने क्या करना है, फॉर ए बेटर मैनेजमेंट ऑफ फूड शॉर्टेज, तो हमने खुराक की किल्लत को अच्छे तरीके से मैनेज करना है।
किसके अंदर, इंसानों के अंदर जो खुराक किल्लत हो रही है, और जानवरों के अंदर, डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं पालतू जानवर, इंसानों को भी खुराक की किल्लत का सामना है, और इंसान के जो डोमेस्टिक एनिमल हैं वो जानवर जो इंसान घरों में पालता है उन जानवरों को भी खुराक का किल्लत का सामना है। तो हमने इंसान के अंदर भी खुराक की किल्लत को दूर करना है, और अपने जानवर जो पालतू जानवर हैं डोमेस्टिक एनिमल हैं हमने उनके अंदर भी खुराक की किल्लत को बेटर तरीके से मैनेज करना है। तो कैसे करेंगे, द यूज ऑफ माइक्रोब, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे, जरासीमों का इस्तेमाल करेंगे एज द प्रोड्यूसर, कि वो प्रोड्यूस करके दें हमें, क्या बना के दें, सिंगल सेल प्रोटीन बना के दें, और इसको हम तजर्बाती तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये तजर्बा कामयाब हुआ है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तजर्बे में इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो माइक्रोब हमें सिंगल सेल प्रोटीन बना के दे रहे हैं, और ये एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन क्या हुई है, सक्सेसफुल हुई है। दिस टेक्निक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर स्क्रिमशॉ, याद रखिएगा सिंगल सेल प्रोटीन की जो टेक्निक है जो प्रोफेसर स्क्रिमशॉ ने दरियाफ्त की थी, सबसे पहले सिंगल सेल प्रोटीन की टेक्निक MCQs वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफेसर स्क्रिमशॉ ने इंट्रोड्यूस करवाई थी ऑफ मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वो प्रोफेसर थे कहाँ के, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोफेसर स्क्रिमशॉ जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर हैं उन्होंने सबसे पहले सिंगल सेल प्रोटीन की टेक्निक को इस्तेमाल किया, लोगों को बताया, लोगों में तारुफ कराया। साइंटिस्ट एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट जो साइंसदान हैं और जो फूड के टेक्नोलॉजिस्ट हैं, दे बिलीव दैट द सिंगल सेल प्रोटीन विल सब्स्टिट्यूट द अदर प्रोटीन रिच फूड इन ह्यूमन एंड एनिमल फूड्स। बेटा बहुत सारी खुराक होती है जिसमें प्रोटीन होती है, उस खुराक को खा के हम अपनी प्रोटीन की कमी भी पूरा करते हैं और हमारे जानवर भी प्रोटीन की कमी को पूरा करते हैं। साइंसदान जो हैं और जो फूड के टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो इस बात पे यकीन करते हैं कि जो सिंगल सेल प्रोटीन होगी, साइंसदान और फूड के टेक्नोलॉजिस्ट वो इस बात पे यकीन करते हैं कि जो सिंगल सेल प्रोटीन होगी वो सब्स्टिट्यूट होगी, मुतबादल होगी दूसरी प्रोटीन वाली खुराक का, कि दूसरी प्रोटीन वाली खुराक जो हम खुद खाते हैं या हम अपने जानवर को देते हैं उस खुराक का मुतबादल कौन होगी, सिंगल सेल प्रोटीन एक दिन उसको सब्स्टिट्यूट कर देगी, उसको रिप्लेस कर देगी, उसको तब्दील कर देगी। ये किसका यकीन है, साइंटिस्ट का भी और फूड टेक्नोलॉजिस्ट का बिलीव है दैट द सिंगल सेल प्रोटीन विल सब्स्टिट्यूट द अदर प्रोटीन रिच फूड इन द ह्यूमन एंड एनिमल फीड्स। सो ये आज आपका सिंगल सेल प्रोटीन का पार्ट 1 का लेक्चर था।